आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बोतल में हम कैसे टमाटर को उगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक खाली बोतल लिया है, ढक्कन हटा दिया है हमने, यहाँ ऊपर में छेद कर दिया है और टमाटर का एक पौधा हमने लिया है। इस टमाटर के पौधे को इस बोतल में लगाएंगे। सबसे पहले हम एक कपड़ा लेंगे, कपड़े को दो भाग में मोड़ के बीच में छेद कर लेंगे और साइड से इसको काट लेंगे ताकि इसमें हम पौधे को घुसा सकें, और स्टेपलर की मदद से हम इस काम को करेंगे। तो एक अखबार में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टमाटर के पौधे को यहाँ पर अच्छे से मोड़ लेंगे ताकि हमारी जो पत्तियाँ हैं वो पत्तियाँ ना टूटें ना झड़ें। इसको अच्छे से हम ऐसे मोड़ लेंगे। सामने हमने स्टेपल कर लिया है और अब इसको हम इसमें डालने के पहले यहाँ पर इस कपड़ा को लगाएंगे। ताकि मिट्टी जब हम इसमें डालें तो वो ना झड़े और कपड़े को भी हम स्टेपलर की मदद से स्टेपल कर लेंगे। धीरे धीरे हम इसको खींचेंगे इससे इस तरीके से। ये बोतल में से बाहर आ गया है। अब हम इस अखबार को यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमारा टमाटर का पौधा इसके अंदर अब सेट हो गया और ये कपड़ा जिसमें हम छेद किए थे टमाटर इससे बाहर आ गया। मिट्टी को भर लेंगे। इस मिट्टी में हमने कोकोपीट, गोबर खाद और बगीचे की मिट्टी इसको मिला के मिश्रण बनाया है और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर छोड़ देंगे। तो ये हमारा पौधा तैयार हो गया। इसको हम ऐसे बांध लेंगे इतना लंबा रस्सी से। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। इसको किसी भी दीवार के सहारे, रस्सी के सहारे ऐसे टांग सकते हैं और बस नमी बनाए रखेंगे। कोकोपीट का हमने इस्तेमाल किया है। 15 दिन बाद इसमें फूल आने लगेंगे।